हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप बिना फेस दिखाए और बिना वॉइस ओवर किए सिर्फ टेक्स्ट लिख करके और म्यूजिक लगा करके अपने कुकिंग वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। इससे पहले किस तरीके से बिना फेस दिखाए वीडियो शूट कर सकते हैं मैंने ये बताया था, और VN ऐप का यूज करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो, आपको बिल्कुल इसी तरीके से एडिट करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ A to Z कंटेंट में। अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरीके की मैं ढेरों वीडियो बना सकूँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं VN ऐप से वीडियो को एडिट करती हूं, वो इसलिए क्योंकि VN में आपको वाटरमार्क नहीं आता है और ना ही आपको परचेस करने के लिए फोर्स किया जाता है कि आप VN को परचेस करिए। तो बहुत ही अच्छा ऐप है और बहुत ही आसानी से इसमें सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो आप देख भी सकते हैं कि मैंने जितनी भी वीडियो एडिट की हुई है वो सारी की सारी VN से ही की है। अब VN में आने के बाद आपको इस तरीके से इनका पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए प्लस का साइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, जिससे कि आप अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी कुकिंग वीडियो जो मैंने बना करके रखी है वो है। तो यहाँ से हम इस तरीके से पूरी की पूरी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करते समय वीडियो छोटी छोटी ही बनाते हैं हम, एक साथ पूरी वीडियो नहीं बनती है। इतनी फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे नीचे देखिए ब्लू कलर का एरो है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे आ जाती है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप यहाँ पे ऊपर देखिए बॉक्स बना है और लिखा गया है ओरिजिनल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो आपको 9:16 सेलेक्ट करना है, पर अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो आपको तीसरे नंबर पे है 16:9 ये सेलेक्ट करना है। अब बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बृष्टि जी जो वीडियो बनाती हैं उसकी जो फ्रेमिंग होती है अलग ही होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी फ्रेमिंग मिल जाती है। बृष्टि जी अपने वीडियोस में मोस्टली ये वाला एक होता है ये चूज़ करती हैं, एक होता है 4:5 एक ये सेलेक्ट करती हैं, या फिर 2:3। जब आप इन वीडियोस को इस तरीके से इस फ्रेम में एडिट करते हैं तो जब आपको YouTube पे वीडियोस दिखाई देती हैं तो वो लंबे में और बड़े बड़े में दिखाई देती है। तो इस तरीके से फ्रेम होता है, आप जो फ्रेम चूज करेंगे आपकी वीडियो उसी फ्रेम में एडिट होगी और बन करके तैयार होगी। तो बहुत ज़्यादा कमेंट ये आते हैं कि बृष्टि जी की जो फ्रेम होती है वीडियो की अलग होती है, कैसे होती है, वो कौन सा फ्रेम चूज़ करती हैं। तो आप यहाँ से फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। ये हो गई एक बात। अब आज की वीडियो तो मैं नॉर्मल जो लॉन्ग वीडियो होती है 16:9 वाली वो सेलेक्ट करके आपको बता रही हूँ, सिखाने वाली हूँ, पर अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो आपको यहाँ से 9:16 सेलेक्ट करना है। बहुत ही डीपली मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार बताने के बाद भी कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं और वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। ये हो गया एकदम क्लियर। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब कुकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, बर्तन की आवाज़ या फिर कोई भी साउंड आ जाती है, तो उसे हमें सबसे पहले वीडियो से करना है म्यूट। म्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे ही देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और इसमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाता है वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम के ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक और यहाँ पर हम कर देंगे वॉल्यूम को 0 और नीचे लिखा गया है अप्लाई टू ऑल, ये देखिए बीच में, तो हम अप्लाई टू ऑल के ऊपर कर देते हैं क्लिक। अब इससे क्या होता है, जितना भी हमारी वीडियो में आवाज़ थी, बर्तन की आवाज़ या फिर कोई बैकग्राउंड नॉइज़, पूरा का पूरा म्यूट हो जाता है और आपकी वीडियो बहुत ही साइलेंट हो जाती है। बहुत बार पूछा जाता है कि हमने फ्रेम जो है बड़ा लिया है लेकिन हमारी वीडियो छोटी दिखाई दे रही है। तो देखिए आप मेरी भी वीडियो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि फ्रेम
इस तरीके से है क्योंकि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो की थी 1:1 में की थी, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है जिसमें मैं एडिटिंग करके दिखा सकूं, तो इसलिए मैंने यही फ़ाइल ली है। छोटा अगर दिखाई दे रहा है आपका फ्रेम, तो आपको इस तरीके से अपनी वीडियो पे क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा बड़ा करके ले लेना है और पूरी फ्रेम को आपको इसी तरीके से देख लेना है। आगे भी देखिएगा फ्रेम छोटा होगा, ये देखिए छोटा फ्रेम है, तो इसे वापस से एक बार वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके हम ले लेंगे। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए वेस्ट चीज़ें जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वीडियो चल रही है, तो उसे हमें सबसे पहले करना होगा डिलीट। अब देखिए यहाँ पे मैं अपने फ्रेम को सेट कर रही हूँ, देख रही हूँ कि किस तरीके से मुझे वीडियो बनाना है, तो इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है, वीडियो में हमें ये भी नहीं दिखाना है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट हो रही है, इंस्टा कूपा का ये प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ जो कि मेरे पास आया था कोलैबोरेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ तक मैंने ला लिया है वापस से, यहाँ पे नीचे ही स्प्लिट। आगे देख सकते हैं आप 56 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा है जिसमें मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और आगे वाले पोर्शन को मैं कर रही हूँ डिलीट। अब हमारी मेन वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से, इंस्टा कूपा का ये बॉक्स मैंने दिखाया और दिखाने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना है, सिर्फ 2-3 सेकंड बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। दिखाने के बाद वापस से मैं स्प्लिट का निशान लगा रही हूँ। अब आगे वाला पोर्शन मुझे चाहिए क्योंकि मैं उसमें बॉक्स दिखा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए मैं हटाऊंगी, बॉक्स में से सारी चीज़ें निकालूंगी और यहाँ पे रखूंगी, उसके बाद 1 by 1 एक एक करके मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी, है ना। तो वो चीज़ भी नहीं दिखानी है क्योंकि अगर हम फालतू चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं वापस से एक स्प्लिट का निशान लगाऊंगी, ठीक है। इसके आगे देखिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो मैं सेलेक्ट करूंगी, स्प्लिट करने के बाद सेलेक्ट किया मैंने और मैंने किया डिलीट। अब ये देखिए बॉक्स हमने दिखाया, दिखाने के बाद हमने ये इंस्टा कूपा का कप दिखाया और बस एक बार कप दिखाने के बाद तुरंत ही हम वापस स्प्लिट का निशान लगाएंगे। तो आपको अपने कैमरे का एंगल देखिए कुछ इस तरीके से बीच बीच में चेक करते रहना है, सेट करते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि फ्रेम में मोबाइल के कैमरे में आपकी वीडियो ठीक से दिखाई ही नहीं दे रही है या फिर जो भी इंग्रेडिएंट है वो ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पूरी वीडियो को स्प्लिट एंड डिलीट करके ले लेना है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा के इस तरीके से मैं वीडियो को दिखा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं पानी लेके आती हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ पानी। अब पानी ऐड करने से पहले तक की वीडियो अननेसेसरी थी, उसे हमें करना है डिलीट। डिलीट करने से पहले यहाँ पे स्प्लिट है, स्प्लिट किया हमने और उसके बाद फिर आगे वाली वीडियो सारी अननेसेसरी थी, तो स्प्लिट के बाद हमने कर दिया डिलीट। और अब यहाँ पे देखिए हम पानी डाल रहे हैं, तो वो वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है। जब तक डाल रहे हैं सिर्फ तभी तक हमें वीडियो में दिखाना है, उसके बाद वापस से तुरंत स्प्लिट के ऊपर शार्प स्प्लिट लगा लेंगे और उसके बाद देखिए ऑन करना, ये सारी चीज़ें अननेसेसरी है और उसे हमें क्या करना है, कर लेना है डिलीट। अब आप चाहें तो 2 बार पानी डाल रहे हैं तो 2 बार दिखाइए, पर आप चाहें तो 1 ही बार दिखाइए क्योंकि ऑडियंस को तो समझ में आ ही गया है कि इसमें हमें पानी ऐड करना है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस पानी को बॉईल होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, 2-3-4 मिनट जितना भी लगेगा, तब तक हमें फ़ोन को ऑन करके नहीं रखना है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन को बंद किया और ये देखिए इस तरीके से उसकी स्क्रीन भी बंद कर देनी है, क्योंकि अगर स्क्रीन भी चालू रहेगी तो क्या होगा, आपका फ़ोन गर्म होने लगेगा। तो इसी तरीके से मैं पूरी वीडियो की फ्रेम को भी सही करूंगी और पूरी वीडियो को सबसे पहले इसी तरीके से मैं स्प्लिट करके ले लूंगी। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं स्क्रीन में डायरेक्ट अपनी वीडियो को दिखाऊं तो देखिए वीडियो मेरी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए फ़ोन की स्क्रीन को मैंने बंद रखा था क्योंकि इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं दिखाना था, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि अब कुछ इम्पॉर्टेंट दिखाना है तब आपको स्क्रीन को ऑन करना है। बहुत ज़्यादा कमेंट इस बारे में ही पूछा जाता है कि वीडियो को बनाते समय स्क्रीन हमेशा ऑन रहनी चाहिए या फिर बंद चालू करना है, या फिर छोटी छोटी वीडियो हम बना रहे हैं तो उसे एक कैसे किया जाता है।
तो वी एन में आप एक कर सकते हैं। इसे ढकते ही देखिए, थोड़ा तो टाइम लगेगा बॉईल होने में, 7-8 मिनट। तो तब तक मैंने यहाँ पे अपने कैमरे की स्क्रीन को बंद कर लिया और 8 मिनट के बाद जब एग बॉईल हो गया उसके बाद मैंने वापस से ऑन किया है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक बार आपको सिखा चुकी हूँ कि फ्रेमिंग कैसे सही करना है, तो मैं बार बार हर वीडियो में नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी फ्रेम को, वीडियो की फ्रेम को पूरा सही कर लेना है, उसके बाद ही बाकी सारी वीडियो एडिट करनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जो मुझे पूछा गया था कि टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, इंग्रेडिएंट्स के नाम कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में लिखा गया है टी, मतलब टेक्स्ट। इसके ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखो टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर कर लेना है क्लिक। ऐड सब हेडिंग, ठीक है, इसमें से कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐड सब हेडिंग के ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपका जो की पैड है वो भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, तो ऐड 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो आप अब जहाँ जहाँ पे आप कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, उस जगह पे आपको रुक के इस तरीके से टाइटल लिखना पड़ेगा। अब इस टाइटल को भी आप एनिमेशन डाल सकते हैं, आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं F लिखा गया है, एक स्मॉल एक कैपिटल है, तो F के ऊपर मैं करती हूँ क्लिक। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, जो भी फॉन्ट आप चूज़ करेंगे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कोई सिंपल वाला या फिर कोई बोल्ड वाला, जैसे भी जो भी आपको अच्छा लगे। मोस्टली मैं सिंपल वाले फॉन्ट ही रखती हूँ ताकि रीड करने में आसानी हो, तो मैंने जो सादा सिंपल फॉन्ट है वो चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाता है डबल ए, यहाँ पे देख सकते हैं F के बगल में डबल ए, डबल ए के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी साइज़ भी देखिए, छोटी या फिर बड़ी, आपको जो करना है जितना करना है आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक कलर बॉल है, बॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर का करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो बैकग्राउंड में भी इस तरीके से कलर वाला भी आएगा, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादा करके मैं येल्लो या फिर ब्लैक या फिर वाइट यही चूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सादा सिंपल और अच्छा दिखाई देता है। अब जैसे ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क है, टिक मार्क के ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। अब ये जो आपका टेक्स्ट है इस तरीके से बीचों बीच तो नहीं रहना चाहिए, तो टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसे लाएंगे थोड़ा सा नीचे और नीचे रखेंगे, या फिर बहुत से लोग ऊपर की तरफ रखते हैं या फिर साइड में, आपको जहाँ पे भी वीडियो में अपने रखना हो रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ क्योंकि YouTube वीडियोस में और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा भले दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मोशन, मोशन क्यों, ये देखिए मैं एक बार प्ले करके दिखाती हूँ, इस तरीके से डायरेक्ट ही आ गया और फिर इसी तरीके से डायरेक्ट ही चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें कोई मोशन ऐड करते हैं, मोशन ऐड करने के लिए आपको इसके ऊपर सबसे पहले कर लेना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मोशन एडिट के बगल में ही दूसरे नंबर पे मोशन के ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक। अब आप कोई भी मोशन चूज़ कर सकते हैं, आप अपने सबटाइटल को देखिएगा, थोड़ा सा चेंज हो करके आ रहा है, स्केल कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं, कोई भी आप जैसे आपको ठीक लगे आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन आपने किया, अब आउट एनिमेशन मतलब आपका टेक्स्ट जब आपकी वीडियो से निकल रहा है तो किस तरीके से निकले, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपने बहुत सारे टाइटल लिख लिए हैं, सब टाइटल इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख लिए हैं, तो आप एक में ही ये अप्लाई करेंगे, एक में ही ये सारा एनिमेशन डालने के बाद आप अप्लाई टू ऑल जो यहाँ पे लिखा गया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपने 10, 15, 20 जितने भी सबटाइटल लिखे हैं, इंग्रेडिएंट्स के जो भी नाम लिखे हैं, सब पे अप्लाई हो जाएगा, आपको एक एक टेक्स्ट पे जा कर के नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंगल टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ एक के ऊपर ही अप्लाई होगा, तो मैं तो अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ ताकि मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि इस तरीके से आपको करना है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एग रखा, एग रखने के टाइम पे भी आपको क्या करना है,
उसी प्लेस पे जाना है और वापस से आपको ये टी लिखा है जैसे कि मैंने बताया, और वापस से टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया सेम उसी तरीके से आपको वापस लिखना है। मतलब जब जब आप कोई इंग्रेडिएंट कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तब तब आपको टेक्स्ट के पास जा करके ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी वीडियो में। अब मैं थोड़े से एनिमेशंस भी आपको बता देती हूँ जो कि वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए आपकी वीडियो यहाँ पे है, उसके बाद फिर यहाँ से चेंज हो रही है, तो जब आपकी वीडियो क्लिप एक वीडियो क्लिप से दूसरे वीडियो क्लिप में चेंज हो रही है तो आप थोड़ा सा एनिमेशन डाल सकते हैं, उससे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। एनिमेशन डालने के लिए देखिए ये वीडियो क्लिप, ये वीडियो क्लिप, उसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, ठीक है, ये प्लस आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक, वाइट, जूम, जूम टू, तो आपको जो भी यूज़ करना हो आप यहाँ से देखिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। इससे आपकी वीडियो क्लिप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम एंटर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ पे बेस वाला या फिर आपको अगर मैट में से कुछ पसंद करना है तो आप मैट वाला भी पसंद कर सकते हैं, उसमें से भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको ये प्लस का आइकन दिखे, मतलब बीच में वीडियो क्लिप के, तो आप वहाँ वहाँ पे एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से देखिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में दिखाना है, अब जैसे कि मैं ये एक बार ये वीडियो प्ले करके आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, ये नॉर्मल जैसे हम काम करते हैं स्लो स्लो वैसे हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, इतनी स्लो ना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे ही डिलीट के बगल में देखिए स्पीड दिखाई दे रहा है, स्पीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने वीडियो की स्पीड को देखिए इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहे उतना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और अगर यहीं से आप नीचे की तरफ आएंगे, मतलब 1x के ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, 1x के नीचे आएंगे तो आपकी वीडियो की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्लो है क्योंकि मैं नीचे की तरफ आई हूँ, लेकिन वहीं पर अगर मैं अपनी वीडियो को देखिए स्पीड बढ़ाती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कितना फटाफट काम हो रहा है वीडियो में, क्योंकि मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ाया हुआ है। इस तरीके से आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं स्पीड में जा करके। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे ही देखिए टिक मार्क है, टिक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। सब्सक्राइब बटन लगाने के लिए आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे, आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे ही एक इमेज जैसा बना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे स्टिकर्स हैं, VN में ही आपको मिल जाता है। अगर सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं 2 फिंगर से, और ऊपर नीचे आपको जहाँ पे भी सही लगे आप सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं। मोशन भी ऐड कर सकते हैं मोशन पे क्लिक करके, तो इस तरीके से आपका सब्सक्राइब बटन बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। कि आप सब्सक्राइब बटन में लूप एनिमेशन यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो देखिए इस तरीके से ये हिलता रहेगा, अच्छा लगता है, ये ब्लिंक होता रहेगा या फिर जो आप चूज़ करेंगे वो होगा। अब नीचे टिक मार्क है, टिक मार्क के ऊपर कर देंगे क्लिक और इस तरीके से आप सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बहुत बारी पूछा जाता है कि अपने चैनल का लोगो कैसे लगाएं अपने यूट्यूब वीडियो में, किसी भी वीडियो में, कुकिंग वीडियो हो, टेक्निकल वीडियो हो, आपका फैशन रिलेटेड है, कोई भी वीडियो है, तो क्या करना है आपको, यही जहाँ पे हमने सब्सक्राइब बटन के लिए टिक किया था इमेज के ऊपर, उसी के ऊपर हमें कर लेना है क्लिक। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है स्टॉक्स, आपको स्टॉक्स में इसलिए जाना है क्योंकि आपको अपने लोगों को सेव करके गैलरी में रखना होता है। सेव करके रखेंगे तो ही आपको लोगो लगाने के लिए मिलेगा, नहीं तो फिर आप कैसे ही लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे YouTube Works नाम से देखिए मेरी फाइल है, इसके ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक। अब आप देखिए मेरा इस चैनल का भी लोगो मैंने सेव करके बना करके रखा है, चैनल कुकिंग चैनल का लोगो भी देखिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब जैसे कि ये कुकिंग वीडियो है तो इसलिए मैं कुकिंग वीडियो वाला लोगो लगाऊंगी। तो ये कैसे लगाना है हमें, अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद आप नीचे ही देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉप लिखा गया है,
क्रॉप के ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक। अब यहाँ पे फ्री है, फ्री के ऊपर हम कर लेंगे क्लिक और इसे मैं क्रॉप करके मेरी प्रोफाइल पिक्चर जितनी दिखाई दे रही है मैं बस उतना ही सेलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा टिक मार्क और उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे आगे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है मास्क, मास्क के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद रेडायल, ये बीच वाला जो है सर्कल, क्योंकि हमारा जो लोगो है सर्कल है इसलिए हमें सर्कल के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए आपको दो एरो मिलता है, एक ये बड़ा एरो है ऊपर नीचे और एक ये छोटा एरो है यहाँ पे अंदर की साइड में। तो जो अंदर की साइड में एरो है उसे हम थोड़ा सा खींचते हुए बाहर लाएंगे और हमारी प्रोफाइल पिक्चर एकदम परफेक्ट दिखाई दे उतना ही खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर आपकी परफेक्ट दिखाई देने लग जाए, यहाँ नीचे देखिए है टिक मार्क, टिक मार्क के ऊपर करेंगे क्लिक। अब इस प्रोफाइल पिक्चर को हमें देखिए यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है ना इसके ऊपर फिंगर रखना है और छोटा करना है। छोटा करने के बाद किसी एक कॉर्नर में आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को इस तरीके से लगा लेना है और यही प्रोफाइल पिक्चर मेरा लोगो है, मैं अपनी वीडियो में ऐसे ही लगाती हूँ। अब यहाँ पे नीचे देखिए लेयर में आपको दिखाई दे रहा है ना आपका प्रोफाइल पिक्चर, अब ये थोड़ा सा ही दिखाई देगा, ये देखिए आगे नहीं है, इतना ही है और इसके आगे भी नहीं है, पर ये आपको आपकी वीडियो में पूरा चाहिए, पूरा दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करना है अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है। अब आगे देखिए छोटा सा एरो सा दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको वीडियो बिगनिंग के ऊपर क्लिक करना है, क्लिप बिगनिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्लिप मतलब वीडियो की जो छोटी सी क्लिप है बस उसके ही आगे तक जाएगी, लेकिन वीडियो बिगनिंग तक करेंगे तो आपकी की जो प्रोफाइल पिक्चर है आपका जो लोगो है वो पूरी वीडियो में आगे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही आपको सेम पीछे की तरफ भी करना है, वीडियो एंड के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो एंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपका लोगो इस तरीके से पूरी वीडियो में दिखाई देगा, आप चाहे आगे चले जाइए आप चाहे पीछे चले जाइए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बोली गई थी, आपको अपना फेस नहीं दिखाना है, तो आप देख भी सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो इस तरीके से रिकॉर्ड की है जो आप फ़ोन में देख रहे हैं कि सिर्फ कैमरे के अंदर इंग्रेडिएंट्स ही दिखाई दे रहे हैं, मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आपको शूट करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पूछी गई थी टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इसमें वॉइस ओवर नहीं करना चाहते हैं, आप म्यूज़िक लगा के अपनी वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, तो म्यूज़िक लगाने के लिए यहाँ पे पहले ही नंबर पे आप देख सकते हैं म्यूज़िक का सिम्बोल दिख रहा है, उसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब वॉइस ओवर करना है तो आप ये जो है यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। वॉइस ओवर कैसे करते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बनाई है, एडिट कैसे करते हैं उस पर भी बनाई है, लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है कि वॉइस ओवर नहीं करना है बस म्यूज़िक लगाना है, तो म्यूज़िक के लिए आपको यहाँ म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर लेना है और ये VN के म्यूज़िक है, VN के इतने सारे म्यूज़िक और फाइल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ म्यूज़िक्स में कॉपीराइट क्लेम आते हैं और कुछ कुछ में नहीं आते हैं, तो आप यूज़ करके देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि किस में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है और किस में नहीं आ रहा है। अपनी फेवरेट म्यूज़िक आपने अगर एल्बम में रखी हुई है, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करके रखी है, तो आप कैसे लगा सकते हैं, माय म्यूज़िक यहाँ पे लिखा गया है इसके ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। अब यहाँ पे मैंने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से एक ही म्यूज़िक बस डाउनलोड करके रखी है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पे लिखा गया है यूज़ के ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक और उसके बाद फिर आप वॉल्यूम को अगर म्यूज़िक की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड है, तेज है, जैसे कि इस वीडियो की हाँ है, तो इसलिए मैंने इसकी वॉल्यूम को देखिए 100 से कम करके 36 कर दिया है, और अगर सॉफ्ट म्यूज़िक है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप 100 पे रहने दीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपने वैसे भी वॉइस ओवर नहीं किया है, सिर्फ म्यूज़िक है तो चल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए प्ले करके सुन भी सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम है, तो मैं एक बार प्ले करके बताती हूँ। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से प्ले करके सुन भी सकते हैं कि वॉल्यूम कितनी है, उस हिसाब से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और जब एडजस्ट करके हो जाए, सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे टिक मार्क है, टिक मार्क के ऊपर आपको कर लेना है क्लिक। और आप देख सकते हैं ये म्यूज़िक, ये जो ब्लू कलर की, सॉरी ये जो पर्पल कलर की लाइन है, ये लाइन जो है हमारी म्यूज़िक की लाइन है। इस तरीके से आप अपनी वीडियो में म्यूज़िक लगा के बिना फेस दिखाए सिर्फ टाइटल टेक्स्ट लिख करके अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको शॉर्ट वीडियो का भी एडिटिंग करना है और इसी तरीके से आपको लॉन्ग वीडियो का भी एडिटिंग करना है। बस फ़र्क इतना है कि लॉन्ग वीडियो में आप थोड़े से डिटेल्स दिखा करके अगर वीडियो को 4-5 मिनट 6 मिनट का बना लेते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो आपको 1 मिनट के अंदर की वीडियो एडिट करनी होती है, उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना पड़ जाएगा और अपनी वीडियो को और ज़्यादा एक्स्ट्रा शार्प कटिंग करना होगा, स्प्लिट करना होगा, ताकि आपकी वीडियो 1 मिनट के अंदर की वीडियो बन करके तैयार हो। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वापस से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर देखिए, आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। अब जैसे कि मेरा फ़ोन जो है वो iPhone 14 Pro है, तो मैं इसे हाई क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। तो इससे देखिए हमारा जो GB होता है, ये वीडियो जो है 8.5 GB की वीडियो बन करके तैयार होती है, लेकिन जब मैं अपने Samsung फ़ोन से वीडियो को एक्सपोर्ट करती थी तो इतनी हाई क्वालिटी में नहीं कर पाती थी, तब तो ऑटो पे ही रहता था। और अगर ऑटो पे आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है GB में। सिर्फ 2 GB की ये फाइल बन करके तैयार होती है, मतलब पहले वाले से कम आधा का भी आधा है। इस तरीके से अब आपको एक्सपोर्ट के ऊपर कर लेना है क्लिक। और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन को बंद नहीं करना है, बैक नहीं करना है, और स्क्रीन ऐसे ही चालू रहना चाहिए, बैक भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है एक्सपोर्टिंग वीडियो, प्लीज़ डू नॉट लॉक द स्क्रीन एंड लीव द पेज। जब तक ये 100% नहीं हो जाता, और इसी तरीके से धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट या फिर फाइल जितनी बड़ी है उस हिसाब से और भी टाइम लग सकता है, आपको पूरा का पूरा इसे एक्सपोर्ट होने देना है। और फिर आप अपनी वीडियो को YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।